हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बस ऐसे ही वीडियो, एक लाइव अपडेट टाइप सी। सो कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। सो अभी कुछ एक या दो हफ्ते पहले आई गेस 2 वीक्स पहले हमें हो गया था कोविड। एंड सबसे पहले आर्नोल्ड को हुआ, मेरे भाई को। तो मेरे को कुछ सिम्टम्स नहीं थे, उसको फीवर आया, उसको टेस्ट कराया, देन नेक्स्ट डे मम्मी और मैंने भी कराया, तो हम लोग का भी पॉजिटिव निकल गया। तो फिर हम लोग साथ में, खैर फिर घर में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सबको था, तो वी कुड मूव फ्रीली, मतलब घर के अंदर। एंड बाकी सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने मैसेज किया मेरे फ्रेंड्स में। एंड यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ हैं, तो उन्होंने भी हेल्प की मुझे, मतलब हमें। एंड वो लंच पहुँचा देते थे एंड डिनर पहुँचा देते थे, सो थैंक यू ऑल। एंड देन कोविड भी हो गया, और उसके पहले ही मैसेज आ गया था, हमें मेल आ गया था कि हमारे क्लासेस ऑनलाइन होने वाले हैं अगले 2 महीने के लिए, दैट इज़ जनवरी और फेब्रवरी। तो मैं तो एकदम ही हो गया था, बट मुझे था कि चलो अब हम मतलब मैं सामान लेके आ जाऊँ कुछ, क्योंकि मेरी टिकट हो रखी थी। बट देन वी थॉट कि क्यों ही जाना है, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है सामान, पापा ने बोला, तो बाद में ले आएंगे जब होगा, खुलेगा। बट फिर उसके बाद फिर मैं लगा शिट, क्योंकि मेरे पास ना मेरा ट्राईपॉड भी वहीं पे है, एंड इसीलिए मैं अपने हाथ में ही अभी मोबाइल पकड़ के बोल रही हूँ। एंड देन मेरा यूकुलेले भी वहीं पे है, गांधीनगर में। एंड आई एम मिसिंग दैट सो मच, क्योंकि मेरे को था कि रेगुलरली बजाना है एंड उसमें और कवर्स बनाने हैं, प्लस प्रैक्टिस भी करनी है और नए कॉर्ड्स सीखने हैं, तो एक वो हो गया था। बट चलो सही है, यहाँ पे भी टाइम मिल गया मुझे रहने का हरिद्वार में, क्योंकि एक और एक अपडेट ये है कि पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरी जगह, तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। एंड ये पापा का हो गया था अगस्त में, बट अभी हम यहीं पे हैं थोड़ा टाइम तक, जब तक आर्नोल्ड के बोर्ड्स ख़त्म हो जाते तो उसके बाद जाएंगे। तो यस, आई विल मिस दिस होम ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने एक तो यूट्यूब स्टार्ट किया था, और यहाँ बहुत सारे मतलब मेमोरीज़ हैं। अभी पता नहीं बहुत जल्दी ना हो गया हो, क्योंकि अभी है टाइम जाने में, बट वो टाइम भी बहुत जल्दी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। एंड मैं आपको दिखाती हूँ इस घर में बाहर क्या क्या मेरी मेमोरीज़ अटैच्ड है। या सो यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट की थी, एन आउटडोर वाला शूट, तो वो उस हिसाब से फर्स्ट आउटडोर वाला। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बाहर कैसे आई विल डू, तो ये गैरेज है एंड तो इसके मतलब इधर किसी को दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ की थी मैंने सिया। एंड देन इधर भी किया है मैंने, देन ये भी बैकग्राउंड काफ़ी मैंने यूज़ किया है, ये प्लांट्स लगे हुए हैं एंड पीछे पूरा वाइट बैकग्राउंड, अभी तो ये रखा हुआ है सो इग्नोर दैट। बट इधर एक म्यूज़िक वीडियो शूट की है, एंड देन आउटफिट्स वाली भी काफ़ी वीडियो शूट की है, देन यहाँ पे भी बैठ के एक म्यूज़िक वीडियो का पार्ट शूट किया था, एंड देन यहाँ पे भी बैठ के मैंने एक सॉन्ग कवर किया था, मेरा मन कहने लगेगा। एंड देन आई विल मिस दिस ऑल्सो पूरा, एंड देन ये भी बहुत ही काफ़ी सही देन यहाँ पे भी हमने काफ़ी फ़ोटोशूट्स किए हैं, क्योंकि ये येलो बैकग्राउंड बहुत ही वाओ, तो इसीलिए। एंड देन आई विल मिस जैसे आपको दिख रहा है, आप खुद ही देखिए कि क्या ही
वो है यहाँ, लाइक पूरा सामने में जंगल है, एंड देन जंगल के बाद गाड़ी की आवाज़ शिट, तो यहाँ पे पूरा जंगल है, एंड देन लाइक एनिमल्स आते रहते हैं और ग्रीनरी बहुत है, सो लाइक दैट। ये आम का पेड़ है, दो पीछे हैं, एंड देन एक ये बड़ा सा पेड़ है आम का, तो हमने इसके आम भी बहुत खाए हैं, लाइक अपने घर के आम, वाओ टेस्टी। एंड देन ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ भी लाइक हमने खुद लगाया था, हमने क्या मैंने लगाया था, आंटी ने मुझे दिया था, एंड देन ये लगाया था प्लांट, एंड अभी इतना बड़ा हो गया, एंड अब इसको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। जब मेरे को याद है जब शुरू शुरू में लगाया था, तो उसमें मैं रोज़ पानी देती थी बिकॉज कि वो जल्दी बढ़े, ऑल्सो आई लव प्लांट्स, तो मतलब इन्वायरमेंट इन जनरल, तो यस आई विल मिस ऑल दिस ग्रीन एंड वाओ, मतलब बहुत कुछ। अभी तो ये सूख गया पेड़, बट लाइक ये शेड जब नया नया लगा था, तो हमने नीचे बॉनफायर किए हैं काफ़ी, एंड पार्टी की है, और बोलते हैं ना मेन बचपन, लाइक नॉट द बेबी वाला बट चाइल्ड वाला, जिसमें खेलने कूदने की क्या एज रहती है वो, सो वो भी हमने यहीं पे किया, लाइक हमने इतना यहाँ फुटबॉल खेला है, पिट्ठू खेला है, क्रिकेट खेला है, एंड यहाँ पे भी, एंड वहाँ जाके वो जो है उसके उधर भी काफ़ी खेला है, एंड बहुत कुछ खेला है, सो लाइक वो भी, क्योंकि ऐसा खुला मैदान घर के सामने थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, बट यस वी हैड एंड वी प्लेड सो मच, बहुत ही सही, मतलब अभी नहीं जा रहे हम लोग यहाँ से लाइक अभी कुछ हफ्तों में, बट यस दिस ईयर वी विल बी शिफ्टिंग आउट, तो यस थोड़ा एंड जब फर्स्ट टाइम आया था ना पापा का ट्रांसफ़र का नोटिस, लाइक पापा आए एंड पापा ने बताया मैं ट्रांसफ़र हो गया, एंड आई वाज लाइक सही में तीन चार बार मेरे को बिलीव नहीं होता, क्योंकि आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस, बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत ही वो तो यस बस। हाँ टॉपिक से एकदम अलग हो गया, बट हाँ लाइक आई एम मिसिंग माई ट्राईपॉड, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि लाइक 2022 हो गया था, तो मैंने सोचा था कि अब थोड़ा कंसिस्टेंट होना है यूट्यूब में, मैं थी जब शुरू किया था, खोला था, बट अब थोड़ा मेरा हो चुका है, तो यस बट मेरा ट्राईपॉड ही नहीं है, और हर वीडियो मैं ऐसे हाथ में लेके नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोज़ होती है लाइक व्लॉग, तो चलो आप हाथ में लेके कर लो, बट कोई वीडियोज़ अगर स्पेसिफिक बनानी है देन यू नीड अ ट्राईपॉड, एंड देन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू शूट अ म्यूज़िक वीडियो, म्यूज़िक कवर, तो उसके लिए भी चाहिए होगा, विच आई डोंट हैव अभी, तो यस आई एम मिसिंग माई ट्राईपॉड एंड यू कू ले लूज ऑल्सो, मुझे लग रहा है मुझे अंदर जाने चाहिए क्योंकि बंदर आ गए हैं, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीज, यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, तो हाँ मैं दोबारा वापस बाहर आ गई क्योंकि शायद अब बंदर चले गए हैं, एंड अंदर लाइटिंग अच्छी नहीं थी, सो यस एक और कि वहाँ हमारा बस स्टॉप था, वेट वो उधर, एंड तो बस स्टॉप में भी काफ़ी सारी मेमोरीज है, क्योंकि स्कूल टाइम यू नो सुबह सुबह काफ़ी लाइक काफ़ी वो रहता है कि हम जल्दी तैयार होके जाते थे, स्पेशली बस स्टॉप में, क्योंकि हम सुबह बस स्टॉप के उधर जिसका कोने में घर है वहाँ हम खेलते थे गेम्स, एंड उसके बाद फिर काफ़ी है, मतलब जिनको पता है वो रिलेट करेंगे, बाकी जिनको नहीं पता थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट यस वो
बंदर है क्या ऊपर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. नहीं भी क्या होगा तो कोई बात नहीं, बस ऐसे एक मेरे दिमाग में जो थॉट्स थे सारे एक वीडियो में मैंने डाल दिए. एंड यस, बाकी सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हो जो मैंने जिसके बारे में बात की है. एंड ऑल्सो दोबारा से थैंक्स जिन्होंने भी हमें कोविड के टाइम पे हेल्प की, लाइक ब्रेकफास्ट भी पहुँचाया है किसी किसी दिन, ब्रेकफास्ट देन लंच एंड डिनर. एंड काफ़ी अच्छे अच्छे खाने आते थे, पालक पनीर, अच्छी अच्छी दाल एंड आलू पराठे एंड रोटी सब्जी चावल सब. तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. सो हाँ, मैं दोबारा आ गई एक और चीज़ बोलने कि जब मैं ये एडिट करने बैठ रही थी वीडियो, मैं कर ही नहीं पाई इतने टाइम से, क्योंकि दो तीन बार तो क्या हुआ, जब मैं एडिट करने बैठ रही थी तो मैं अपनी बातों में खो गई थी. लाइक इस वीडियो में मैं जो कह रही हूँ तो उस वीडियो मतलब उसको बातें का सोच सोच के अंदर मेरी इमेजिनेशन चल रही है अपनी. सो वो हो रहा था. देन जब दो तीन बार ऐसा हो गया मैं बोला यार एडिट करनी है इसको, तो फिर जैसे मैंने बीच बीच में फ़ोटोज़ डाली एंड ऑल, तो वो सब उसके लिए थैंक्स टू माई स्नैप मेमोरीज़ और फेसबुक. तो मैंने लाइक यहाँ अगल बगल के जो अंकल आंटी हैं जो लाइक फ़ोटोज़ डालते हैं फेसबुक में, तो मैंने उनको स्टॉक किया इन द सेंस फ़ोटोज़ निकालने के लिए. क्योंकि पहले क्या होता था कि मतलब फ़ोटोज़ डाल देते थे इन लोग कुछ भी, लाइक हमारी फ़ोटोज़, और हमें लगते थे छी कितनी गंदी एंड ऑल. बट उन फ़ोटोज़ को देख के यू नो आंसू आ गए थे मेरे आँखों में कि लाइक कहाँ से लाइक बढ़ के अभी कहाँ हैं हम लोग, उस टाइम क्या हमारा वो था, लाइक सब कुछ ही, एंड अभी कैसा है. तो वही. एंड देन जैसे वो फुटबॉल वाली फोटो है उसको तो ढूंढने में मेरे आफत आ गए, मेरे को मिल ही नहीं रही थी, बट यस मिल गई. एंड उसके साथ और भी फ़ोटोज़ मिली जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं थी, बट हाँ. एंड देन उनको देख के लग रहा था कितना ग्रो हुई हूँ मैं एंड कितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है तब से लेके अब तक का. एंड यस, और इस एडिट को मैं जितना चाहिए उतना रॉ रखी हूँ मैं, ज़्यादा एडिट नहीं है. एंड बस, और सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.